we should be very, very careful when we are in church, when we are listening something good. जब हम अच्छी चीज सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे अंदर में एक उत्साह होनी चाहिए और दुआ करके जाइए कि जैसे खुदावंत आज तो मुझसे बातें कर, जैसे मैं दुआ करके जाता हूँ, जैसे पता नहीं मैं कहाँ से सीखा, शायद मेरे पेरेंट्स करते थे कि खुदावंत आज हम चर्च जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ तो मुझसे बातें कर, मेरे को दूसरे नहीं तो मुझको बता क्या करना है, एंड वॉट शुड आई लर्न, मैं क्या सीखूं, ये चीज इच्छा लेके जाके बैठोगे ना सारी चीजें ठीक दिखाई देती। हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए। खुदावन हमसे तू बातें कर, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, यीशु सहाय। एक बार फिर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर दिया कि हम उसके साथ वचन को बांट सकें। मैं आज आपसे प्रेरितों के काम 20वें अध्याय और उसके 7 से लेकर 12 तक जो वचन दिए गए हैं उसके बारे में मैं पारी पारी से बताऊंगा, अपन पढ़ते जाएंगे साथ में। यहाँ पर एक पहले शुरू में मैं आपको इसका सब्सटेंस बता दूँ कि शुरू में यहाँ पर एक युथकुश नाम का एक व्यक्ति, ये चर्च में रहता है और खिड़की पर बैठता है, इधर भी सुनता उधर भी सुनता है, और खिड़की से नींद के झोंके में नीचे गिरता है, और गिरने के बाद पौलुस जाके उसको उठाता है, फिर कलीसिया में ला के मिलाता है। तो ये नींद की बीमारी इसको थी या जो भी हुआ है, तो इस संबंध में अपन एक गीत जागते रहो करके प्रभा तिमोथी से सुनेंगे और उसके एक अंतरे को सुनेंगे, फिर बाकी जो बचा हुआ है वो अपन आखिरी में सुनेंगे। तो आइए हम उस गीत को सुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जवान के बारे में बताया गया है। बहुत पहले मैं इसको प्रचार किया था, जवानों की सभा जब जाता था बहुत प्रचार इसका किया हूँ, युथकुश का, और इसका परमेश्वर ने अच्छा रिजल्ट भी दिया है। ये जवान के बारे में तो है, लेकिन ये हम हर एक के लिए अपन इसको आज एप्लीकेबल करके आज अपन इसमें सीखेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस जो दूसरे दिन पर चले जाने वाला था, उसने उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। पौलुस जो है ग्रीस में अपना काम पूरा कर लिया, और पूरा करने के बाद एशिया माइनर के लोगों को बाय बाय करके ये जाने पर था, मतलब ही हैज फिनिश्ड द टूरिंग जॉब ऑफ हियर एशिया, और उसके बाद वो जो है नाउ ही इज अबाउट टू लीव, और ये लास्ट दिन का मीटिंग है। और अपन की मीटिंग वीटिंग चलती है ना, तो लास्ट दिन की मीटिंग बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है ना, अपन खासकर लास्ट को रिवाइवल मीटिंग वगैरह ख़त्म होता है तो इतवार को ख़त्म करते हैं कंक्लूडिंग, और बहुत ज़ोरदार वहाँ पर भोज हो जो भी करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन टाइप का अपन लोग करते हैं, तो वो चीज़ दिमाग में रखें। और ये त्रोआस में ये पौलुस जो है 6.5 दिन पूरा कर चुका, और ये फाइनल नाइट है,
अब गंभीरता इसको समझते जाइए, जैसा मैं समझ रहा हूँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चीज ये देखना कि एक तो संडे है मैं जैसा समझ रहा हूँ, और दूसरा प्रभु भोज की मेज लगी हुई है ये जैसा दिखाई देता है, और तीसरी चीज जो है लास्ट मीटिंग है, मतलब संडे प्लस प्रभु भोज प्लस लास्ट है ना, ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर। और इसमें खैर जो भी होगा, ये यहाँ पर कई लोग इसको बताते हैं, कुछ मजाक के रूप में लेते हैं कि देर शुड नॉट बी ए लॉन्ग सरमन, बहुत लंबा लंबा लोग बोलते हैं। जैसे एक प्रचारक बोल रहे थे कि भाई माफ करना घड़ी नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो एक लड़का वहां से चिल्लाता है, अरे पादी साहब घड़ी नहीं तो क्या, पीछे कैलेंडर तो है, डेट बदल गया उसको तो देखो। मतलब प्रीचिंग कर रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि कौन सुन रहा क्या सुन रहा। कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ाते हैं, खैर देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लंबा बोलो दिन भर बोलो रात भर बोलो ऐसी चलती है मीटिंग्स, रात भर की दुआएं होती हैं, उपवास दुआएं होती हैं, फिर बाद में शेयरिंग होता है, वचन प्रचार करते हैं, होल नाइट सर्विस होता है, ये सब होता है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां देख के बात होनी चाहिए, कहां क्या बोलना है, कहां किसको बोलना है, कैसे थम करना है, दुआ कैसे करना है, कितनी लंबी करनी है, कितनी छोटी करनी है, कितना बड़ा प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है, किसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोगों का रिएक्शन क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी चीजें देखना ही एक अच्छे प्रचारक का, एक अच्छे ओरेटर का, एक अच्छे टीचर का ये गुण होना चाहिए। मैं टीचर इसलिए बोला क्योंकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन वाला हूँ, तो लड़कों को देखते हैं कि अपन कैसे समझते हैं उन लोग, ऐसे करके उनके लायक बता के उनको समझाना पड़ता है, ताकि कोई भी बिना समझे वहां से ना जाए, होशियार रहे चाहे गधा रहे। जैसे देखिए यहां पर हमको ये करना है कि मैं तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हम लोग सरमन वगैरह या लेक्चर वगैरह शुरू करने के पहले कम्युनिकेशन में ये पढ़ाते हैं कि ये क्या कि टेल व्हाट दे नो, वो जो जानते हैं ना उसके बारे में थोड़ा बताओ, तो उनको एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी आएगी, सुनने की क्षमता इंटरेस्ट आएगा, जिसको बोल सकते हैं टेल व्हाट दे नो। और दूसरा टेल व्हाट दे डोंट नो, अब आ जाओ समझे, जो पढ़ाना है मेरे को, जो बताना है मेरे को, जो सेल्वेशन के बारे में बताना है, या जो टॉपिक है जिसके बारे में बताना है, या जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बताना है, उसके बारे में जो चीज़ मेरे को बताना है जो उन लोग नहीं जानते उसको बताना है। मतलब उनमें एक तो एंग्जाइटी क्रिएट की है, एक तो उत्सुकता क्रिएट की है, और करने के बाद फिर उनको खुराक अपन दे रहे हैं। और तीसरी चीज टेल व्हाट दे मस्ट नो, ये जो उनको जानना ही है वो चीज़ बताओ। जैसे अपन बोल सकते हैं ना, लड़के ध्यान नहीं दे रहे तो क्या बोलते हैं कभी कभी, मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान देना ये वाला परीक्षा में यही आने वाला है, भाई समझ जाते एकदम, क्योंकि मालूम पेपर सेटिंग वगैरह भी रहता है इसके पास, और ये जरूर कुछ होगा तभी ये बता रहा है, एकदम तन्ना जाते सन्ना जाते जिसको बोलते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं। तो ये एक चीज है कि पहले तुम उनको ये बताओ कि तुम क्या जानते हो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर तुमको क्या नहीं मालूम उसको बताऊंगा, और क्या तुमको मालूम होना चाहिए उसको बताऊंगा, और ये चीजें शायद यहाँ पर कुछ कमजोर पड़ते दिखाई देता है ये तीन सिद्धांत यहाँ पर, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन था, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, प्रभु भोज था, प्रभु भोज के दिन सीरियस रहता है और ये मजाक में लेना नहीं चाहिए, अपन पढ़ते हैं जानते हैं प्रभु भोज के बारे में, और उसके बाद बोलता है कि आधी रात तक बात करता रहा, मतलब पौलुस वॉज इंस्पायर्ड फुल ऑफ स्पिरिट, बोलता जा रहा अब, लेकिन बोल तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आठवें वचन में अपन देखिए, जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे, अटारी पर ऊपर थे, अटारी का कही है, यीशु मसीह के पकड़ाने के पहले अटारी पर थे, और प्रेरितों के काम पहले अध्याय 13 और वचन में आप देखिए, वहां पर भी सारे शिष्य लोग अटारी पर इकट्ठा हुए। हाँ एक चीज वहां पर मेरे को याद आता है कि उसी 13-14 में देखना, मरियम भी वहां यीशु की माता थी, और मेरे ख्याल से इस बाइबल में मरियम का जिक्र वो लास्ट है, उसके बाद फिर मरियम का जिक्र कहीं नहीं है करके कहीं मैं पढ़ा था। तो ये चीज अटारी जो है ऊपर थे, चेले एकत्रित हुए, और वैसे ही प्रेरितों के काम 9 और शायद आगे उसी के कोई 66 वचन कुछ होगा, लंबा चौड़ा है उसमें, तबीता के बारे में दिया है, जब मर गई थी उसको ले जाकर अटारी पे रखे, पतरस गया घुटने टेक के दुआ किया और वो फिर जी के उठ गई, जो भी है ये चीजें जो है अटारी पे हुई, अटारी का महत्व अलग है जहां पर भी है। तो ये क्या किया, जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, बहुत सारे दिए जल रहे थे, मतलब रात का टाइम था,
लोग खा पी के आए होंगे और दिए लेके आए। देखिए ये क्या है कि दिया अपने अपने घर से लेके आए और यहां इसलिए रखे कि रात है, अंधेरा है, और दिए इतने दिए वहां पर हो गए कि इट वॉज जस्ट लाइक ए डे, दिन जैसा माहौल उजियाला हो गया, इतना उजियाला हो गया वहां पर। इतने उजियाला में शायद किसी को नींद नहीं आएगी, कोई सो नहीं सकता मैं सोचता हूँ, इतने उजियाला में वहां पर थे। और युतुकुस नाम का एक जवान, अब नौवें वचन में मैं पढ़ रहा हूं, देखिए युतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, खिड़की पर बैठ के गहरी नींद से झुक रहा था। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि नीचे जगह नहीं थी इसलिए खिड़की पर गया करके, मैं बहुत खोजा नहीं मिलता, कोई सेंस भी नहीं आता वहां पर, समझ में ऐसा नहीं आता। मतलब ये जवान जो है कुछ उल्टा पुल्टा टाइप का ही है, मतलब इसको चाहिए प्रभु का वचन भी सुनना है, मेरे को चर्च भी अटेंड करना है, दुनियादारी भी रहना है, उधर भी देखना है, बारात और रात जा रही सड़क पे तो उसको भी देखूंगा, इधर पौलुस क्या बोल रहा है ये भी सुनूंगा, जितना समझ रहा हूँ इधर समझ रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, मतलब संसारिकता भी है और आत्मिकता भी है, दोनों चीजें एक साथ है और दोनों चीजें साथ में लेके चलना है, दो नावों पर सवार होना है, दो मालिकों की सेवा करना है, ये हो नहीं सकता, बाइबल बताती है दो मालिकों की सेवा तुम नहीं कर सकते और दो नाव पे पैर रख के तुम चल नहीं सकते, दो घोड़ों पर सवारी होकर चल नहीं सकते, भले सिनेमा उनिमा में आपको दिखाए जैसा भी करे, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ दो नावों पर सवार होकर चल रहा है, क्योंकि ये लड़का क्या किया है, युतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। युतुकुस का नाम, इसका अर्थ जो है, युतुकुस मतलब होता है फॉर्चुनेट, लकी, भाग्यशाली, जिसको अपन बोलते हैं, फॉर्चुनेट है इसका नाम, बड़ा फॉर्चुनेट है, वास्तव में फॉर्चुनेट है, इसकी स्टोरी आप देखेंगे ना, सचमुच में ही इज अ वेरी फॉर्चुनेट फेलो यहां पर, क्योंकि खिड़की पर बैठा है और सो भी रहा है, बीच में नींद भी आ रही है, यानी नींद के झोंके में भी है, कम से कम उस समय तो दिमाग है भाई कि गिरे पड़ूंगा तो मरूंगा, आके कहीं बैठ जाए बीच में या खिड़की के नीचे ही बैठ जाए, धीरे से कर सकते वैसा भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं किया और खिड़की पे बैठ के सो रहा था। और पौलुस मस्त अपना लेक्चर दे रहा था, लोग सुन रहे थे, पूरा उजियाला था, देखिए चारों तरफ मतलब इतने बत्तियां थी, इतने दिए थे कि वो कोई सोना भी मुश्किल, उतने रोशनी में उतना सो भी नहीं सकता, लेकिन सोने वाले सो जाते हैं भाई, खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, जैसा भी हो, हमको तो खटिया पे सोने के बाद भी नींद नहीं आती, लेकिन सोने वाले सोना कैसे भी सो ही जाते, चलते चलते सो जाते, कई तो बात करते करते सो जाते। मैं देखा एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा स्नोरिंग का कुछ इलाज करो, मतलब क्या बोलते खर्राटे का इलाज करो, तो बोले क्यों तुम्हारी वाइफ को बहुत डिस्टर्ब होता है क्या, तो बोले मेरी वाइफ की बात क्या करते हो, पूरे कांग्रीगेशन चर्च को डिस्टर्ब होता है, इतने जोर से खर्राटे मारता हूँ, सो के पता नहीं चलता, कंट्रोल नहीं चलता। तो ये चीज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हाउ टू अवॉइड स्लीप इन चर्च व्हेन स्पीकर इज बोरिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कोई अच्छा ही बोलते रहे, कुछ लोग का शायद मेरा आपको अच्छा नहीं लगता होगा, किसी दूसरे का मेरे को अच्छा नहीं लगता होगा, जैसा भी हो, लेकिन मजा नहीं आ रहा है तो क्या होता है, नींद आती है चर्च में, सबसे ज्यादा नींद चर्च में आती है। एक पादे एक लड़का था जिसको नींद नहीं आ रही थी, तो पास्टर ने बोला तेरे को मैं दवाई बताऊं, बोला हाँ बताइए पास्टर, तो बोले बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, कभी भी नींद नहीं आती बाइबल पढ़ो तो नींद आ जाती, कहीं नींद नहीं आती चर्च में बैठो तो नींद आती, घर में जाके टीवी देखना फिर शुरू करो तो नींद नहीं आती, क्रिकेट मैच चालू है, खाना खाने के बाद भी नींद नहीं सो रहे, क्यों नहीं सो रहे, तो बोले मैच चल रहा है और चर्च में कुछ नहीं तो बैठे बैठे झोंक रहे। ये जो खिड़की पे बैठा था और ये जोखिम नींद में था, नींद जो है एक पाप से तुलना की गई है, सिंबॉलिक है, नींद को पाप से संबंधित करके, नींद मतलब पाप, पाप मतलब नींद करके बताते हैं, जैसे आदम सोया, पसली गई, शादी हो गया, अब आगे क्या हुआ आपको मालूम है, फल खाए जो खाए, सिन हैज कम एंटर्ड, अंदर आया जो हमारे अंदर में आज तक चला। शिमशोन सो गया, बाल कट गया, पकड़ा गया, ताकत खत्म हो गई, आंख फूट गया, आगे खैर जाके खंबे वंबे गिरा के जो भी किया, लेकिन शिमशोन बर्बाद हो गया। योना सो गया,
योना क्या परमेश्वर की आवाज को सुनकर दूसरी तरफ भाग रहा था? दूसरी तरफ तू कहीं भी भागेगा ना, वो डायरेक्शन ये सारी चीजें लेके तेरे को वहीं पहुंचा देंगी जहां परमेश्वर तुझे चाहता है। ये चीज याद रखना, तुम बच नहीं सकते, बच के निकल नहीं सकते। जाके जहाज में सो गया, नीचे जाके सो गया, सोचा कि यहां जाऊं तो बच जाऊं, लेकिन तूफान आया, सब कुछ हुआ, नींद जगी, गीला हो गया, मगरमच्छ के पेट में गया, 3 दिन 3 रात रहा, पता नहीं बेसुध रहा, बेहोश रहा, कोमा में गया, क्या गया, लेकिन जब बढ़ा के वो उगला तो निकला। कहां गिरा? उसी जमीन पे गिरा जहां उसको जाना था। कहां तुम बच के जाओगे? युतकुस जो है नीचे बैठने की जगह पर ऊपर बैठा। इसकी एक अच्छाई मैं आपको बताऊं, कम से कम ये चर्च तो गया, एक अच्छाई खोज के देखो। हर एक में आप खोजोगे ना अच्छाई जरूर मिलेगी, और नहीं खोजोगे तो भी बुराई बहुत मिल जाती है। तो सर्च फॉर द गुड, अच्छे चीज को खोजो और लीव अवॉइड द इविल, और अच्छी चीज को खोजो। तो ये चर्च गया, इसके साथी लोग कहीं और गए होंगे, खेलने गए होंगे, मछली मारने गए होंगे, कहीं घूमने फिरने गए होंगे, सिनेमा गए होंगे, जो भी गए, कहीं भी गए, लेकिन ये चर्च गया, एक अच्छी चीज है, इसलिए ये बच गया। नहीं जाता तो फिर मुश्किल था, लेकिन ये नींद के झोंके में था, और ये जो है झोंका मार रहा था, और उसको पता है जब देखे नींद आ रही है तो मुश्किल से आंख बंद होता रहा, बंद होता है, खोल खोल के देखो, खोल के देखो, फिर बंद हो जाता है। भले ही मैं दिन भर शॉपिंग किए छोटे बच्चों के साथ, मैं और मेरी वाइफ, और रात को पैसेंजर जो आती है रात को 2 बजे नांदगांव पहुंचती, उसमें चढ़े, चढ़ने के बाद थका था, एक बच्चे को मैं गोद में रखा, एक बच्चे को रखी, दो ही थे उस समय, और जब मैं नींद के मारे ऐसे 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 बगल वाले के मुंडी टक से नींद खुली, बगल वाला मुझको देखा, मैं उसको देखा, मेरी वाइफ, उसको परेशानी हो रही थी, और देखी ऐसे, मतलब आंख दिखाई कि अब मत करना, नहीं अब नहीं करूँगा, फिर देखी कि नहीं हो रहा है तो इस बच्चे को भी अपने गोद में ले ली। नींद के झोंके में कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा, कितना भी चाहो तो वो नींद आई जाती है। मतलब ये हुआ कि हमको वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर इन चर्च, व्हेन वी आर लिसनिंग समथिंग गुड, जब हम अच्छी चीज सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे अंदर में एक उत्साह होनी चाहिए, और दुआ करके जाइए कि जैसे खुदावन आज तू मुझसे बातें कर, जैसे मैं दुआ करके जाता हूँ, जैसे पता नहीं मैं कहाँ से सीखा, शायद मेरे पेरेंट्स करते थे कि खुदावन आज हम चर्च जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तू मुझसे बातें कर, मेरे को दूसरे नहीं, तू मुझको बता क्या करना है, एंड व्हाट शुड आई लर्न, मैं क्या सीखूं, ये चीज इच्छा लेके जाके बैठोगे ना सारी चीजें ठीक दिखाई देती हैं। देखना, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूर सीटिंग, कहाँ तुम बैठ रहे हो। देखिए आसपास में शायद ये बैठता किसी के, कोई बुजुर्ग के पास में बैठता, कोई अच्छे विश्वासी के पास बैठता, ये नींद आती रहती तो उसको ऐसा करके एक धक्का मारता, बोले गुड भाई क्या कर रहा है, जगाने वाला तो रहता कम से कम, तू जाके खिड़की पे बैठा है, और तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पे गया, खिड़की पे बैठा, और बैठने के बाद नींद के झकोर में आ रहा है नींद। तो नींद वो चीज है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, पाप वो चीज है जिसको तुम अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते, पाप वो चीज है जिस पर तुम अपने आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। एक लड़की थी, मैं पढ़ रहा था, एक लड़की थी, वो चर्च कमेटी के पास गई, उद्धार पाई, और उसने बोले तू नया जन्म पाई है, बोले हाँ पाए, तो पहले जीवन और अभी के जीवन में क्या फर्क है बेटा ये बताओ, तो उसने क्या बोली मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, कि पहले बोले कि पाप के पीछे मैं भागती थी साहब, ये का जीवन था, और अभी क्या है कि पाप मेरे पीछे भागता है, ये अभी का जीवन है, मैं उससे बच सकती हूं, पाप मुझे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मेरा यीशु मसीह मुझे बचा के रखता है, वो अंधेरा लाना चाहता है लेकिन उजाला मेरे पास है तो अंधेरा आ ही नहीं सकता, अंधेरा और उजाले का कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, जहां उजाला रहे वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, और जहां अंधकार है मतलब वहां उजाले का उठेगा सवाल ही नहीं उठता है। ये देखे, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, मतलब नींद से बचना। तुम कभी कभी इतने लोग सोने के ये हैं कि संसारिक रूप से या आत्मिक रूप से इतना सो जाते हैं कि हमको अपने घर का भी ख्याल नहीं रहता, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, घर का फाइनेंसेस क्या है, मेरे बजट क्या है, मैं कितना खर्चा करूं, कभी कभी क्या है बोलते ना
कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, इसको हिंदी में बोलना चाहिए जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, तो हमको क्या है पैसा जितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन यू शुड मतलब हैव कंट्रोल अकॉर्डिंग एज पर योर बजट, बजट के अनुसार जाओ। मुझको सारी चीज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, स्कूटर नहीं था, सबके पास था, मैंने कभी नहीं चाहा कि उधारी लेके मैं खरीदूं। मेरी वाइफ ने भी कभी नहीं बोला कि अपने को चाहिए, बोले जब परमेश्वर देगा तब लेंगे, और खुदा ने दिया, हमने मांगा, खुदा ने दिया। लेकिन लालच नहीं करना, लेकिन ईर्ष्या नहीं रखना कि उसके पास है मेरे पास नहीं, अरे उसके पास जो है उसके लायक है इसलिए उसके पास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दावत नहीं है इसलिए मुझको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, जानता है कि किसके लिए क्या चाहिए, घर है, परिवार है, फाइनेंसेस है। चर्च पे भी हम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, सो जाते हैं, हम क्या हो रहा है चर्च में ये भी नहीं मालूम, सच्ची क्या बात है, हकीकत क्या है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा, ये चीज छोड़ के हम अपने नींद के झोंके में रहते हैं, और ये नींद हमको बर्बाद कर देता है, ये पाप हमें बर्बाद कर देता है। इससे हमको बचना है, बच के रहना है, क्योंकि जब हमारे अंदर में नींद है ना, हमारे अंदर में ये पाप है ना, तो हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को भूल जाते हैं। मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए आपको मालूम होगा, प्रचार कर रहा था पादरी साहब, बोलते बोलते जोर से बोला उसने कि कौन है जो नरक जाना चाहता है, खड़े हो जाओ। तो एक आदमी खड़े हो जाओ, नींद खुली और खड़ा हो गया फटाक से, देखा कोई नहीं खड़े, तो क्या बोला मालूम, बोला पादरी साहब मुझको तो ये नहीं मालूम आप क्या बोले, लेकिन ये लगता है कि अपन दोनों है जो डिसीजन लिए और कोई नहीं है। जो पादरी भी खड़ा था, ये भी खड़ा था, नींद नींद में हमको कुछ नहीं मालूम होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, सब चीज खत्म हो जाता है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है ये नींद के झोंके में। और यहाँ पर क्या बोलता है, और युतकुश नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरे अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। इसको नहीं मालूम पौलुस क्या बोल रहा है, कुछ तो सुना होगा, शुरू में इंट्रोडक्टरी कुछ स्पीच सुना होगा, उसके बाद सो रहा है, बीच में नींद खुलती भी होगी तो एक आध शब्द सुनने से कहां से कनेक्ट कर पाएगा, फिर आ गई नींद झोंके में, सिर आके भड़ा गई, पता नहीं नींद होने से क्या गर्दन की ये ढीला पड़ जाता है शायद ना, लेकिन मुंडी ऐसा झुक जाता है, कभी देखो ऐसा झुक जाता है, कभी कभी नींद में किसी को देखो इधर सोते रहते हैं, देख के इतनी हंसी आती है कि एकदम मतलब फनी फेस रहता है ना, कैसा हो जाता है, कैसा मुंह बनता है, कैसा करते हैं, होश नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उस समय उसका फोटो निकाल के उनको दिखाओ तो नाराज हो जाते हैं, कैसे टाइम क्या वो फोटो लिए, क्या अब नींद में पता नहीं चलता क्या है नींद में, ये सुन रहा है क्या सुन रहा है नहीं मालूम, अब खिड़की में बैठा है तो नीचे वाले क्या, नीचे बेचारे सब ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं पौलुस की लेक्चर को, कल सवेरे जाने वाला है, फिर कब मिलेगा, शायद ये वापस नहीं आएगा, कब मिले, कैसा होगा, इसकी सारे एक्सपीरियंसेस और इसके सारे अनुभव, सारे संदेश हम सुन रहे हैं, हमारे परिवारों में एक नए प्रकार का जोश आ रहा है, हमारे बच्चों में एक नया जोश आ रहा है, हमारी कलिसिया में एक नई जोश है, और ये एक चीज़ें कर रहा है, ये एक बेदारी आ रही है, और ऐसे समय ये खिड़की पर बैठा हुआ नींद के जकोरे में है, और झोंकना ही नहीं, वो भड़ाक से गिरा और नीचे गिरा। अब देखिए खिड़की से वो गिरा, इधर पूरी कलिसिया डिस्टर्ब हो गई कि नहीं, मतलब युतकुश तू वहां से गिरा और तू तो फॉर्चुनेट है, तेरे को तो अब उठा लेगा, लेकिन तेरे कारण से पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई, पूरा गड़बड़ हो गया सब तरफ, सारे लोग शायद दुआ कर रहे होंगे वो भी खत्म, आंखें खोल देख रहे होंगे वो भी खत्म, सुन रहे होंगे वो भी खत्म, ध्यान सब खत्म, पौलुस भी बेचारा बोल रहा है उसका भी ध्यान खत्म हो गया, सब लोग गए, क्या हुआ, भागे नीचे, कहाँ गिरा, क्या हुआ, जाके देखो, और जब नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा, मरा हुआ उठाया गया, जाके लोग दौड़े, दौड़ के देखे तो गया, गॉन केस है। अब उसके बाद देखे दसवें वचन में क्या बोलता है, परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया, पौलुस लिपट गया और गले लगाकर घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है, घबराओ नहीं उसका प्राण उसी में है करके बोल रहा है पौलुस, मतलब ही वॉज कॉन्फिडेंट, पौलुस अनुभवी है, उसमें पवित्र आत्मा है,
परमेश्वर का सच्चा दास है, वो जानता है कि परमेश्वर कभी कभी बिगड़े लोगों से अच्छा काम करवा लेता है, कभी कभी डिस्टर्ब होने से हमारे अटेंशन और बढ़ जाता है, कभी कभी पीछे हटने से आगे बढ़ने के लिए और रास्ता खुल जाता है, कभी कभी गिरे हुए पड़े हुए इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक मजबूत दीवार बन जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए यहाँ पर ये बोलता है, पर उस घबराओ मत क्योंकि उसका प्राण उसी में है, अभी ये प्राण गया नहीं है। मैं आपको बताऊंगी एक थोड़ा सा एग्जांपल पुराने नियम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले देखिए अपन देखें कि पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 21 वचन मैं लिख के रखा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब एलिया बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया के द्वारा आश्चर्य करो, है ना। यहां पर क्या हुआ, वो लड़का जो है इसका सांस लेना बंद हो गया, और ये ये बोलते हैं ये लड़का बड़ा होकर योना बना है, यही है, सांस लेना बंद हुआ, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे करके वो बोलता है। और देखिए यहां पर ये यहोवा को पुकार के कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे करके उससे बोलता है। ये बालक क्या है, रोगी हुआ, सांस लेना बंद हो गया, और बंद होने के बाद ये सारपत की विधवा का तो बात चल रहा है, सारपत की विधवा का, और यहाँ पर जाके लड़के को क्या बोले, ये लड़का तूने दिया और ये मर गया, तो ये लिए बोलता है यहाँ फिर पापा खुदा तो फिर मेरे को मुसीबत में डाला, एक तो केव से निकल के आ रहा हूँ, बच बुझ के जा रहा हूँ, ध्यान हो रहा मेरा, मेरी हालत मेरे को मालूम है, ले देखे एक ठिकाना मिला, यहाँ पर भी इस लड़के को कहा दे, मेरे कारण इधर भी परेशानी तुला दिया। देखो क्यों ऐसा नहीं, जीवन में हमारे संयम होना चाहिए। यहाँ पर बोलता है सांस लेना बंद हो गया और इस बालक का प्राण फिर से इसमें डाल दे करके बोलता है, क्या मतलब, सारपत की विधवा का पुत्र रोगी हो गया, रोगी हो जाने के बाद ये मर गया, ये मर जाने के बाद एलिया ने इसको जिलाया और इसको जिलाने के बाद ये जो है योना बना, योना बन के भविष्यता बन के तैयार हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा देखिए, दूसरा राजा 4वां अध्याय और उसका 34वां वचन मैं पढ़ता हूं। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह से मुंह, आंख से उसकी आंख, हाथ से उसके हाथों से मिला दिया, और ये सब करके क्या हुआ, तब लड़के की देह गर्म होने लगी। यहां पर मैं एक सिचुएशन देखता हूं, देखिए ये सुनेमिन के बारे में है, यहां पर एलिशा का है, ये वो जो सुनेमिन है उसको ये बच्चा हुआ, सुनेमिन को जो पता लगा कि ये लड़का जो है ये सिर में दर्द बोल के मर गया, तो इसको बोले कि जाओ पूरा कहानी आप 17वां अध्याय पढ़ लीजिए, उसको गधे पर लाद के लेके गई और जाके वहां पर गुरु के पास जाके बोलती है ये लो क्या हो गया। उसने क्या किया, उसने चढ़कर उस लड़के पर लेट गया। मैं बोलता हूँ ये पूरे हाथ से हाथ ऐसा फैला के, मुंह से मुंह रख के फैला के, मैं एक सलीब का चिन्ह यहाँ पर देखता, एक सलीब दिखाई देता है, और ये सलीब जो है बनाया उसने, और बनाकर उस लड़के के ऊपर लेटा, और लेटने के बाद लड़के के बदन में थोड़ी गर्मी आई, और मतलब ये सलीब के टच से आत्मिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, आत्मिक गर्मी आती है, और आत्मिक गर्मी आती है ना तो उसमें हलचल मचता है। और क्या हुआ, इसके सिर में दर्द था, और ये क्या है, ये एलिशा के द्वारा उठाया हुआ ये हबक्कूक तभी बन गया। बोलते पहला वो योना बना, ये हबक्कूक है, और यहां पर ऐसा मैंने पढ़ा है इसमें, देखिए ये लड़का जो है क्या करता है, फिर 7 बार छींकता है, एक बार लेटा, घूमा फिरा, फिर जाके लेटा, अब लड़के में गर्मी आई, आंख खोला, 7 बार छींका, क्या बताता है, क्रूस बनाया लड़के को और अपने को मिला के, दोनों मिलके क्रूस बने, और ये क्रूस बन के ये क्रूस जो है गर्मी लाई, और ये क्रूस जो है आंख खोला, ये क्रूस जो है उद्धार लाया, ये क्रूस जो है आत्मिक जोश पैदा किया, ये क्रूस जो है पाप को खत्म किया, ये क्रूस जो है मानसिक स्थिति को बदल दिया, क्रूस जो है मरे हुए को उठा दिया, मरा हुआ जीव उठ गया, आत्मा में नया हो गया,
आत्मा में जीवित हो गया और जीवित होने के बाद सात पार्षी का सात वाणी पूरा कर दिया। सात 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 घाव सात 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 जो सात जो पूरा सात का फिगर इसने पूरा कर दिया सात बार छीका और वो ठीक हो गया। बोले अब ले जा तू अपने लड़के को। ये भी लड़का जिंदा हो गया। कई ऐसे मुर्दे अपन देखते हैं जिसको जिलाए यीशु मसीह ने जिलाए पतरस ने जिलाए जो भी जिलाए पुराने नियम में भी देखे जैसे जैसे हुए हड्डियों को छू के कई मुर्दे खड़े हो गए जो भी हुआ ये सारी चीजें होती गई। लेकिन आत्मिक रूप से इसका संबंध ये है कि ये घबराओ मत ये लड़का जो है इसका प्राण इसी में है और ऊपर जाकर उठा दिए मतलब प्राण इसी में है और ये जीवित हो गया। लड़का जीवित हो गया इसकी देखिए इतनी ऊपर से गिरा एक हड्डी भी नहीं टूटी इतनी ऊपर से गिरा कुछ नहीं हुआ खोपड़ा फूट जाता और फिर उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं रहता कुछ नहीं हुआ सीधा झाड़ा पोछा होगा और चुट गया चल गया और फिर कहाँ गया फिर कलिसिया में गया। जी के उठने के बाद उस कलिसिया का भागीदार होना उस संगति का भागीदार होना उस जीवन में वापस पा जाना उसी आत्मिकता में वापस जाना उसी गर्मी में बने रहना उसी आशीष को प्राप्त करना उसी की दुआएं करना उसकी मेज में भी भागीदार होना है प्रभु की मेज में भागीदार होना है कि वो प्रभु का मेज हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की लहू को दिखाता है कि वो लहू किस प्रकार से बहा है और वो लहू में उद्धार है वो लहू में वो शक्ति है जो कि हमारे पापों को धो सकता है और उस रोटी देखे उस रोटी में वो शक्ति है जो कि उसके मांस के चिथड़े ने उतरे पीठ के चिथड़े उतरे चमड़ा झूल गया मांस निकल गया इतना मारे और इतना उसका बदन छुल गया और बदन को जोत दिए मतलब उसका पीठ जो इस वक्त प्लाउड पूरा जुताई हो गया इतने होने के बाद और तब कहीं जाकर वो सात वाणी बोलता है और इतनी हिम्मत मेरे खुदा मेरे प्रभु यीशु मसीह में है। सबसे पहले तो उसने क्षमा की याचना की चुंबकीय दुआ मैग्नेटिक प्रेयर ऑफ द क्रॉस करके मैंने एक बुक पढ़ा था ये मैग्नेटिक प्रेयर है विच अट्रैक्ट्स एवरीवन चुंबक है भड़ाक से खींच लेता है आयरन को खींच के अपने अंदर में रख लेता है कहीं भी रहे रेत में कितने लोहे के कण रहे आप चुंबक ले जाइए रेत अलग चुंबक अलग आके चिपक जाता है। वैसे मुझको हमको तुमको वो चिपकाता है हमारे अंदर में वो लेता है हमको अपने अंदर में करता है हमारे लिए वो दुआ करता है हे पिता इन्हें क्षमा कर करके बोलता है और ऐसी करके आखिरी में क्या बोलता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में बीच में ये भी बोलता है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिया कि ये सारे जगत का पाप तेरे ऊपर तू लिया इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया क्षण भर के लिए तुझे छोड़ा है फिर उसके बाद मेरा बेटे कर लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है यीशु मसीह जीव पूर्ण मरा ही नहीं उसने अपने प्राण को ही नहीं त्यागा उसने जाके कब्र में गया कब्र में ही नहीं गया तीन दिन था और वहां से कब्र से निकला और तीसरे दिन जी के उठा और उसके बाद 40 दिन घूमता रहा लोगों को दिखाई दिया लोगों के साथ खाया लोगों के साथ बात किया मछली भून के दिया उनके साथ खाया लोगों के साथ यात्रा किया इमाउस तक उनकी यात्रा में गया उनके घर तक गया उनके डाइनिंग टेबल पे बैठा वहां भी रोटी तोड़ने पर उनकी आंखें खुल गई। यहाँ रोटी ये तोड़ने के लिए इसको जिलाने के बाद इसने रोटी तोड़ने को ले गया वहां पर रोटी तोड़ा और उनकी आंख खुल गई। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। तुमको कैसे बचाया मुझको नहीं मालूम मुझको कैसे बचाया मुझको मालूम है मतलब मुझे ये मालूम है कि मुझे कैसे बचाया है मुझे कैसे किया है मुझे कैसे बचाया है कैसे निकाला है सारी चीजें मालूम है। ये दर्द भरी कहानी हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार प्राप्त करते हैं एक दर्द हमारे अंदर में आता है प्रभु तू मेरे लिए इतनी सही यातनाएं सहा मेरे लिए इतनी तकलीफें तूने उठाया खुदावन खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए क्योंकि ये लड़का सात बार छीका और उठ के हो गया फिर उसके मां को सौंप दिया। योना भी तैयार हो गया हबक्कूक भी तैयार हो गया आखिर में क्या लिखता है हबक्कूक चाहे कुछ भी नहीं रहे तो भी आई एम फॉर यू एंड यू आर फॉर मी माय लॉर्ड आप ही उद्धार करता है बिना उसके नहीं हो सकता है और क्या किया उसने उसका प्राण उसी में है और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा फौ फट गई फिर वह चला गया। अब इसके बाद देखिए ये नहीं मिला कहीं पर भी कि युतकुस सो रहा था अब सोएगा क्या इसमें तो एक नई ताजगी आ गई पूरी कलिसिया को हिला दिया इसने सारे लोग उसके निगाह उसी के ऊपर है
कि सो तो नहीं रहा बेटा, क्या कर रहा है, कहाँ है युद्धकुश, हर कोई वह देखता होगा। मतलब हीरो बन गया, हीरो क्या बन गया, सबकी नजर में चढ़ गया, सबकी नजर में क्या चढ़ गया, इसकी गवाही मजबूत हो जाएगी। मैं बोलता हूं ना, खड़े होके एक बार बोलो, सारी निगाहें तुम पर रहेंगी और सारे गुनाहों से, सारे बुरे कर्मों से, सारे जिस चीज को तुम छोड़ना चाहते उन सारी चीजों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सबकी नजर तुम पर है। ये गवाही का ये फायदा होता है, यदि तुम गवाही दोगे तुम्हारा जीवन मजबूती से आगे बढ़ेगा। रोटी थोड़ी खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि सुबह हो गई, और सुबह हो जाने के बाद क्या हुआ, वो चले गया। He was about to leave. बाय बाय मीटिंग था, लास्ट मीटिंग था, इसको बात फेयरवेल पार्टी दे रहे थे इसको, और ये लास्ट मीटिंग था। खाने पीने का मेरे को नहीं दिखा कहीं पर भी, लेकिन इतना है कि रोटी जरूर तोड़िए। अब पुराने जमाने में ऐसा भी होता था कि प्रभु बोध जो ऐसा होता था कि बहुत रोटियां पूरी सब काल की खाते थे, और बड़ा डिनर टाइप भी होता था, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इतना है, इतनी देर तक बातें करता रहा कि पाव फट गई, फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। अब ये जवान जो है उठ गया, प्रभु भोज में भी भागीदार हो गया, आशीष भी ग्रहण किया, अपने जीवन की गवाही भी इसकी प्रकट हो गई, सब लोगों की नजर इस पे हो गया, मरा हुआ जीवित हो गया। आइए आज हमारे साथ प्रभु यही बात करता है कि सोना नहीं, नींद मत आने देना, नींद से बच के रहना। इसीलिए मैं ये गीत आपके सामने रखा हूं, मैं ये गीत को इसीलिए पसंद किया, क्यों कहते हैं जागते रहो, दुआ करते रहो, दुआ में लगे रहो, जागते रहो। वो कुमारियों का, 10 कुमारियों का हमको मालूम है ना, किस प्रकार से जागते रहो, दिए में तेल रखो, तेल बराबर पवित्र आत्मा भरे रहने दो और जागते रहो, और इतना है कि होशियार रहो और समय के अनुसार रहो, समय के परिस्थितियों को देखते हुए रहो, अपने जीवन को संभाल के रखो, अपनी गवाही को मजबूत रखो, कभी किसी के सामने नीचा ना होने पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी के सामने अपने आप को अपवित्र ना कर पाए, इसलिए हम पवित्रता से हम आगे बढ़ सकें। और जागते रहो, जागते रहो, ये गाना प्रभा के द्वारा आइए हम सुनेंगे, और उसके बाद फिर दुआ करके हम विदा होंगे। हमारे दयालु कृपालु जीवते परमेश्वर, आज के इस संगति के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। मुझे तो ये नहीं मालूम खुदावन कि किसने किस प्रकार से सुना है, लेकिन तुझे सारी चीजें मालूम है, और खुदा जो तूने मुझसे कहा है मैंने किया है, इसमें कोई कमी घटी हो तो उसकी पूर्ति कर दे,
कुछ जाती हुआ हो तो खुदावंद उसे डिलीट कर दे, लेकिन तेरे वचन के प्रभाव को कम ना होने दे। वचन प्रभावशाली रहे, हर एक के दिल में काम कर सके, और खुदावंद हर एक अपने उद्धार नहीं पाए तो उद्धार पाए, और जिसमें उद्धार है वो आगे बढ़ सके, एक कदम आगे बढ़ा सके। ऐसे हमारे हर एक के जीवन में तू सहायता कर। तेरे आने में समय हो, दिया हुआ जीवन हो तो और एक अवसर दे कि हम इसी प्रकार फिर एकत्रित होकर तेरे वचन की सहभागिता में खुदावंद अपना हाथ बटा सके। ये सारी चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ उसके दोबारा आगमन तक और सदालों होती रहे, आमीन।